दिल्ली के खिलाफ मुंबई की ओर से खेलते हुए आईपीएल 2023 के 16वें मुकाबले में मैदान पे आया तिलक वर्मा का तूफान। दोस्तों, तिलक वर्मा ने गेंद को भेज दिया स्टेडियम से बाहर और जड़ दिया दुनिया का सबसे लंबा छक्का। देख करके दिल्ली के गेंदबाज थर थर कांपने लग चुके थे। दोस्तों, अभी देखना चाहते हो छक्के का पूरा वीडियो, इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 16वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में शुरू हुआ, जहां पर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम को 20वें ओवर की चौथी गेंद तक ऑल आउट कर दिया 172 रन के स्कोर पे, जिसमें कप्तान डेविड वार्नर ने 51 रन की पारी खेली। अक्षर पटेल ने ताबड़तोड़ 54 रन लगाए 173 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए। ईशान किशन 34 रन बना करके रन आउट हो गए। उसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पे आए तिलक वर्मा। दोस्तों, तिलक वर्मा ने आते ही गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और देखते ही देखते मैच 28 गेंदों में एक चौका चार छक्के की मदद से 41 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली। दोस्तों, पूरा वक्त 16वें ओवर का है। 16वें ओवर में मुकेश कुमार की पहली गेंद पे चौका जड़ दिया तिलक वर्मा ने। उसके बाद दूसरी गेंद पे डिप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया और तीसरी गेंद पे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का जड़ दिया, जो कि दुनिया का सबसे लंबा छक्का था।